मैं अनुष्का और मैं लक्ष्मी चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं TSJMC CCS यूनिवर्सिटी न्यूज में, जहां आपको विश्वविद्यालय की प्रकृति एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी देंगे। उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सन 1965 में स्थापित हुआ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अपने शुरुआती दौर से ही पर्यावरण को लेकर बहुत जागरूक है। इसी विषय में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शिवम प्रताप की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम विश्वविद्यालय कैंपस के अंबेडकर भवन और कुलपति आवास के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक पेड़ है। यह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेड़ है जिसमें रात्रि के समय भिन्न भिन्न प्रकार की लाइटें जलती हैं। और आज हम कैंपस के उस जगह पर मौजूद हैं, उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ कैंपस के समस्त विभागों के लिए रास्ते निकलते हैं, और इस स्थान से आप कैंपस की चारों ओर की खूबसूरती को जायजा ले सकते हैं, निखार सकते हैं, निहार सकते हैं। तो वहीं अगर बात करें कैंपस की खूबसूरती और हरियाली के बारे में, विश्वविद्यालय कैंपस का 80-90% भूभाग हरियाली से भरा हुआ है। आप मेरे पीछे और चारों ओर देख सकते हैं, चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा ही अपने कैंपस की खूबसूरती के लिए और यहाँ पर प्रकृति की देन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही कार्य करता रहता है। विश्वविद्यालय कैंपस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए कैंपस हमेशा ही कार्यरत रहता है। हाल ही में विश्वविद्यालय कैंपस में कन्वोकेशन 2022 मनाया गया, जिसमें राज्य की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में टॉपर्स रहे छात्रों को और परिसर में टॉपर्स रहे छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय कैंपस में तकरीबन 39 विभाग हैं, जिनमें 100 से अधिक कोर्सेज विश्वविद्यालय कैंपस द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल पर आज हम मौजूद हैं। आइए देखते हैं एक बार कैंपस का दृश्य। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र खेलों के मामले में भी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक लाते रहे हैं और अर्जुन अवार्डी भी रहे हैं। आइए इसी विषय पर देखते हैं हमारी संवाददाता वरुणिका सिंह की एक रिपोर्ट। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।